अस्सलाम वालेकुम, राज के नए एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। आप लोग मुझसे पूछते हैं आपका सबसे डेंजरस एपिसोड कौन सा है। बहुत सारे डेंजरस किए होंगे, लेकिन आज प्रोग्राम जो आप देखने जा रहे हैं ये इतना डेंजरस है, मैं और मेरी टीम शायद कई दिन कई महीने लग जाएं, यकीन मानिए, इस प्रोग्राम के खौफ से निकलने के लिए। क्योंकि इस प्रोग्राम में एक लम्हे कुछ ऐसे भी गुजरे थे कि आपको हम कलमा पढ़ते हुए नजर आएंगे, और उस वक्त लग गया था कि हम मरने लगे। दहरा कड़ा तो हम करते हैं, दो तरह का दहरा कड़ा होता है। अगर हम पूरे घर को दहरा कड़ा कर दें, यानी अल्लाह का कलाम पढ़ दें, तो कुछ भी नजर नहीं आएगा, कोई चीज़ हमें तंग नहीं करेगी। लेकिन क्योंकि हमने साइन रिकॉर्ड करने होते हैं, इस चीज़ को सामने देखना होता है, तो ये हम अल्लाह का कलाम अपने ऊपर पढ़ते हैं, अपने जिस्मों पर, ताकि वो जो चीज़ भी है इस दहरे कड़े की वजह से फिजिकली हमारे जिस्मों को यानी कोई नुकसान ना पहुँचा सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो चीज़ आग नहीं लगा सकती, छत नहीं गिरा सकती, जलजला नहीं आ सकता, दरख्त नहीं गिर सकता, कोई भी नुकसान कर सकती है, खुद से टच नहीं कर सकती, बाकी चीज़ों के साथ हमें नुकसान पहुंचा सकती है। प्रोग्राम करके हम जब बाहर निकले तो FH की तबीयत इतनी ख़राब हुई कि उसको मुसलसल वॉमिट आती रही पूरा रास्ता, और उसको हम दो दिन अस्पताल में उसके साथ रहे, उसको ड्रिपें लगती रही हैं। वैस का नया मोबाइल था बिल्कुल, वो किस तरह टूटा हमें नहीं पता, वो टूट गया। मेरा मैकबुक प्रो लैपटॉप नया चल चुका है, बैकअप पे आजम था, उसने कहा मेरा केस डिस्कस ना कीजिएगा, उसका इतना शदीद फैमिली के मसला हुआ है कि वो भी शदीद परेशान है। अभी तक हम इस प्रोग्राम के खौफ से निकले नहीं हैं, यकीन मानिए बहुत ज़्यादा डरे। मैं अभी भी लिंक देता हूँ, मुझे नहीं पता मैं प्रोग्राम चला सकता हूँ नहीं चला सकता, तो फिर कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि चार दफ़ा इसकी रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। अवैस मुसलसल कैमरे की तरफ देखता था लेकिन कैमरा रिकॉर्ड नहीं करता था, ऑडियो का मुसलसल मसला आ रहा था, नया माइक है, माइक ने भी काम करना छोड़ दिया। जब एडिटिंग में आके देखा तो बहुत सारे साइन जो हमने रिकॉर्ड किए थे नहीं रिकॉर्ड हुए, लेकिन कुछ साइन रिकॉर्ड हो गए। शुरू के जो 9 मिनट का है इसमें आपको वो कैमरा मैं दिखाने जा रहा हूँ जो एक ने काम ही नहीं किया, और एक ने जहां जहां हमें रिकॉर्डिंग मिली है वो है, और बाकी हिस्सा वो है जो प्रोग्राम का है। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर हम लोग इतना रिस्क लेते हैं और अपनी जान को इतने खतरात में डालते हैं, मौत को करीब देखते हैं, तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, आगे फैलाएं और वीडियोस को लाइक करें। आइए चल के देखते हैं राज। जिस घर में आप इन्वेस्टिगेशन करने जा रही हैं, ये घर 1947 से पहले का बना हुआ है और ये बहुत पुराना घर है, और इसके बारे में बहुत सारे किस्से मशहूर हैं जिनमें से चंद मैं आपसे बयान करूंगा। दो बच्चे इस घर में गए लेकिन वो आज तक वापस नहीं आ सके। वो खेलने के लिए इस घर में गए थे लेकिन उनके बारे में कुछ पता नहीं चल सका कि आज तक वो कहाँ पर हैं। फिर जनाब इस घर में एक उसके कुछ अरसे बाद उन बच्चों के बाद एक बच्चा गया जो कि पतंग पकड़ने गया था, लेकिन वो भी वापस नहीं आया। इस घर में पानी का कोई वजूद नहीं है और पानी इस घर में से बाहर आता है, खून के छींटे पड़ते हैं। आपसे पहले वैसे बहुत सी इन्वेस्टिगेशन वाली टीमें इधर आईं लेकिन वो सारे मतलब वापस चले गए कि हमने इस घर में इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी है। आप लोग 4 साल से इस घर में कोई भी नहीं रहा, ना कोई गया है। आप पहले लोग हैं जो इस घर में आए, और मैं आपको नहीं इस बारे में कहूँगा कि आप जाएँ, क्योंकि इसमें आपकी जान जाने का बहुत खतरा है, तो आपको इस घर में सोच समझ के जाना चाहिए। पता नहीं किस चीज की आवाज़ आई, इधर ही पास ही है, वाजे है ये। जी बिल्कुल, हमें पता है आप हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं बहुत ज़्यादा तादाद में। आज इस घर में दाखिल हो गया हूँ जो 50 साल से बंद था। मैं 2012 में यहाँ पे आया था, मेरी ख्वाहिश थी मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड करूँ, नहीं कर सका था, लेकिन आज मैं यहाँ पे प्रोग्राम रिकॉर्ड करने के लिए आया हूँ अपने उस जगह पे जो मेरी मोस्ट फेवरेट डेंजरस लोकेशन थी, जहाँ मेरी ख्वाहिश थी मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड करूँ, और आज मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। मोहब्बत और दुआएं उन लोगों की जो मदीना में और मक्का में मले दुआएं करें, कुछ नहीं होगा हमें इस यकीन कामिल पे। आइए जरा ध्यान से, छोटी सी जगह माइक में आ रही है, उसके माइक में आई है इसीलिए तो सहम गई, में आई है इसीलिए तो सहम आई है, इसीलिए तो सहम आई है, इसीलिए तो सहम गई। बगैर नुकसान पहुंचाए हमारी, बगैर नुकसान पहुंचाए हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकते हैं।
میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں کہ ادھر نہ گھسیں، ادھر درخت ہے، اتنی سی جگہ ہے ادھر. وہ پیڑ پہ کون سا کون سا وہ درخت پہ کون سا درخت پہ کون سا میں دیکھ رہی تھی دونوں کیمرے چھوڑ. آپ نے ریکارڈ کیا یہ؟ پیچھے آ جائیں، پیچھے آ جائیں، واپس آئیں، واپس آئیں ایک منٹ. اچھا ویور کو میں ایک بات شیئر کرا دوں، آپ لوگ کہتے ہیں، آپ لوگ بھی کہتے ہیں نا، یہ آپ نے دائرہ گڑھا کیا ہوتا ہے تو پھر کیوں آپ ڈر رہے ہوتے ہیں؟ تو یہ مخلوق آپ کو کچھ نہیں کہے گی. دائرہ گڑھا کی بھی مختلف وہ ہیں، لیول ہیں. اگر ہم کمپلیٹ اس طرح کا کر لیں کہ کوئی چیز میں تنگ نہ کرے، نظر نہ آئے، یا ہمیں ڈسٹرب نہ کرے، یا ہمیں اپنی چھلک بھی نہ لگائے، تو وہ بھی ایک دائرہ گڑھا ہے. وہ اگر ہم پڑھائی کر لیں گے تو کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں آئے گی، نہ ہمیں اشارہ دے گی، نہ ہمیں ڈرائے گی، نہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگی. ہم اس طرح کر کے آتے ہیں کہ جو چیز ہے وہ آئے سامنے، آئے ہمیں محسوس کروائے، لیکن ہماری جان کو ٹچ نہ کر سکے. یہ ایک دائرہ گڑھا ہے. نہیں آپ پہ میرے گھر میں کچھ 50 سال بعد ہم ہی گھسے ہیں اس گھر میں. آج تک کسی کی ضرورت نہیں ہوئی اس گھر میں گھسنے کی. ایک منٹ چیک کریں. بند ہو گئی ہے. بند ہو گئی ہے. کس وقت چلائی تھی؟ نہیں میں نے چلائی ہوئی تھی، خود بخود بند ہوئی. Come on.
چار دفعہ میرے کیمرے نے ریکارڈنگ نہیں کی. پہلی بار تو ہو سکتا ہے کہ کوئی مسٹیک ہو گئی ہو کیونکہ خوف بہت زیادہ تھا تو, لیکن باقی کی تین بار میرا پورا کنسنٹریٹ تھا, میں اس کو دیکھ رہا تھا بار بار کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, پھر بھی کیمرے نے ریکارڈنگ نہیں کی. آپ ریکارڈنگ میں بھی دیکھیں گے بار بار مظہر صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ اویس دیکھو ریکارڈنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. ابھی آپ نے جو حصہ دیکھا تھا وہ میرا کیمرہ وہاں پر بند تھا, وہ دوسرے کیمرے سے ریکارڈنگ ہوئی ہوئی ہے, لیکن جو باقی آپ ریکارڈ پروگرام دیکھیں گے اس میں ہمارے دونوں کیمرے چل رہے تھے. سر یہ کیا چیز تھی؟ جی جی میں اب دیکھ رہا ہوں, پہلے جو ہو چکا ہے کیمرہ ساتھ نہیں دے گا, کچھ نہ کچھ ہم نکال کر کے دے دیں گے. اتنی ہیوی جگہ ہے اپنی سب سے اندر کر کے ہوتا ہے کیمرہ کوئی بھی بڑا نہیں کرتا. پچاس سال سے بند یہ حویلی جس کو آج راز کی ٹیم نے ادھر سے آئی ہے, ادھر سے آواز آئی ہے, ادھر سے ادھر سے. ادھر سے آئی ہے, ادھر سے آواز آئی ہے, ادھر سے ادھر سے. دروازہ ہلا میٹر سے بات کی میٹر نا. جی جی میں ساتھ ساتھ دیکھ رہا ہوں. 50 سال سے بند یہ گھر ہے, 50 سال سے بند یہ گھر. میری بہت پرانی خواہش تھی کہ میں اس کے اندر پروگرام ریکارڈ کروں. 2012 میں یہاں پر پروگرام ریکارڈ کرنے آیا تھا لیکن نہیں کر سکا تھا. بہت بڑا آسان ہوتا ہے کہنا ٹیم پروگرام کیا ہے, یہ تو ایمی ہے یہ تو ایمی. رات کو 1 بجے آئے اس طرح کی لوکیشن پہ اس طرح کے گھروں میں جہاں 50 سال سے کوئی غصہ نہیں.
सर मुझे तो लगता है गहरा ही पड़ा हुआ है। सर रोने की भी आवाज़ आई, कुछ जैसे अजीब सा सर मैं अपनी पड़ी हुई है रिकॉर्ड पे है ना है रिकॉर्ड पे है ये क्या था इतना बड़ा सा है। मुझे पता है आप इस वक्त शरीर गुस्से में हैं क्योंकि 50 साल तक अंदर यहाँ पे कोई नहीं आया और आज हम अंदर आए हैं, लेकिन हम आपको तंग करने नहीं आए, हम सिर्फ एक महसूस करने के लिए आए हैं। यहाँ पे अल्लाह की मखलूक रहती है सामने है कोई, ये कौन है, कोई ये क्या जिस वक्त ये वाजे बहुत बड़ा साइन मिला है तो उसी वक्त मैंने और अवैस ने एक बोने को खड़ा हुआ देखा था, लेकिन जब वो तेजी से बाहर भागने की कोशिश करने लगा तो कैमरे की आंख ने उस वक्त उसको रिकॉर्ड कर लिया। दिखा रहे थे ना बार बार की ये बात, ऊपर से मेरा ख्याल गिरा, ये गिरा ही, मैंने गिरते हुए देखा है। ये देखो ये सारा रिकॉर्ड करो इधर से। सर इधर कोई खड़ा था, ये बाला पकड़ के भी देखा है, मैंने भी देखा उसको खड़े हुए देखा, ऐसा था बहुत गुस्से में था। या अल्लाह मीटर देखो, ये देखो मीटर, मारना चाह रहा जो पहले बाला पकड़ा हुआ था किसी ने। ये देखिए ये अलमारियां, ये देखिए आ जाए
ये देख रिकॉर्डिंग देखो तुम्हारी चल रही है बंद है ये चेक करके चार दफा कैमरे बंद हो चुके हैं रिकॉर्डिंग तुम्हारी खत्म हो चुकी है इतने बड़े-बड़े साइन जो हमने रिकॉर्ड किए हैं उसका चल रही है चल रही है आपकी भी यस इस कमरे की तरफ हम जैसे जाने की कोशिश करते हैं सर मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ मैं कोई मारने की कोशिश कर रहा है कि इन्हें लगे लेकिन हिसार की वजह से हमें नहीं लग रही सिर्फ सर मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ मैं कोई मारने की कोशिश कर रहा है कि इन्हें लगे लेकिन हिसार की वजह से हमें नहीं लग रही सिर्फ बात वही है जिस तरह हमने बार बार आज हिसार किया ना उसकी वजह से अपना हमें इतनी ज्यादा ये तो भाग जाना चाहिए अगर मेरे ख्याल में कोई और टीम होती भाग चुकी हो हम अपनी जिंदगी को रिस्क में डाल के यहाँ पे रुके हुए और इस कमरे की तरफ जैसे जाने की कोशिश करते हैं मिलेगा नहीं व्यूअर्स जो देखने वाले लोग हैं इन सब की मोहब्बत और दुआएं हैं यकीन मानिए जो हम अपनी जिंदगियों के इस हद तक रिस्क में डालते हैं वरना कोई भी और हमारी जगह पे होता वो यहाँ से जा चुका होता इतनी ज्यादा कि हमें लगा कि हमारी कोई खड़ा हुआ तीन चार दफा हम देख चुके हैं रिकॉर्ड नहीं हो रहा नजर आ रहा है इतना कुछ हो रहा है धमाके हो रही आवाजें निकाल रहा है वो जगह सामने आई मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे हमारे कैमरे रिकॉर्ड करने की कैमरा बंद हो गया ध्यान से सर क्या अब यहाँ से कैमरा रिकॉर्ड पे है हम आपको यहाँ पे तकलीफ पहुँचाने नहीं आए हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए हैं हमारा मकसद आपको तंग करना हर गेम नहीं था हम सिर्फ महसूस करने के लिए रिलैक्स हम सिर्फ महसूस करने के लिए आए हैं हम तंग करने के लिए नहीं आए आप इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं हमारा मकसद आपको यहाँ पे तंग करना नहीं था हम आपको महसूस करना चाह रहे थे आप भी अलग तरह के मखलूक हैं हम भी अलग तरह के मखलूक हैं हमारा मकसद आपको तंग करना नहीं है मीटर की ये हालत है ये मेरा मीटर बता रहा है आप इस वक्त यहाँ मौजूद हैं आप यहाँ शदीद गुस्से में हैं और आप मौजूद हैं ये मीटर इसको आपको कैच करके बता रहा है बता रहा है
سر یہاں کوئی ہے مشکل ہے لیکن چلیں ٹرائی کرتا ہوں تھوڑا آگے ہو جائیں تو خیر
व्यूअर्स, की मोहब्बत आपकी दुआओं की वजह से इतना ज्यादा, ये यही दिखाओ यार, अल्लाह अकबर, ये दिखाओ, इधर देखो, ये देखो, मैं डाल पाता हूँ, ये दिखाओ, ज्यादा मेरी आंखों की आगे आ रहा है, ये दिखाओ व्यूअर्स को। मैं बताना चाहूँगा इससे खतरनाक हवेली जो 50 साल से बंद हुई हो, उसमें आज जितना उन्होंने हमें साइन दे दिए, आपकी दुआएं हैं कि आज हम जिंदा खड़े हुए हैं, हमने पढ़ाई की है, जिसकी वजह से कुछ देर बाहर जाके पढ़ाई करके आए हैं कि अब हाल चला हो तो कुछ देर होगी, ये खामोशी है। जो जगह जैसे थी उसको दरकड़ा खत्म कर दिया ताकि जो मकलूम जिस तरह रह रही थी वहां पे रहे। फिलहाल तो दुश्मनी ले ली है हमने दुश्मनी ले ली है, बहुत हैवी है। हमारा मकसद ना आपको तंग करना था, ना हमने आपको तंग किया, जस्ट इन्वेस्टिगेशन कर रही की है। जैसे आप रह रहे थे आप वैसे रहे, हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज, हमारी आपसे कोई नाराजगी नहीं है। यहाँ से तो बाहर निकलो ना, बाहर निकलो, बाहर निकलो, रास्ता कहाँ पे है? मैं नॉर्मल हूँ, नॉर्मल मुझे लगा, नॉर्मल है, एक मिनट, एक आप लोग बाहर निकल, एफएच जल्दी, नॉर्मल मैं, आप आए पहले, मैं नॉर्मल हूँ, चंदा चलो, हाँ मैं नॉर्मल हूँ, नॉर्मल हूँ, चलो 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 चलो, आपको लग जाएगा, आप काम खराब होगा, ध्यान से। जी मैं बाहर खड़ा था और मेरी जिस तरह नज़र ऊपर गई है और मैंने देखा कि 3-4 साए थे, वो कभी इस तरफ जा रहे हैं, कभी इस तरफ जा रहे हैं, जिस तरह मैंने गौर किया वो हज़ारों की तादाद में हो गए और मैं घबरा गया, मेरा दिल घबरा गया, मैं बढ़ाई करनी शुरू कर दी है और जिस तरह मैंने बढ़ाई की है अंदर से मज़र साहब आए हैं और मुझे आवाज़ दी है आज़म, और मैंने देखा और मज़र साहब यहाँ पर आके खड़े हैं और मैं जिस तरह अंदर आया हूँ और पिलर के पास गया वो अचानक से गायब हो गए और मैंने देखा कोई भी नहीं, मैं शदीद दौड़ से और मैं बाहर चला गया, उधर मेरा दिल घबरा रहा था, दिल धड़क रहा था, इतना परेशान हो गया जिसका कोई हिसाब नहीं। और मैं फिर नॉर्मल जब हुआ फिर मैंने सोचा मज़र साहब वो भी यहाँ पे किस तरह आएंगे अपने कैमरा मैन को वो छोड़ के, तो मैं समझ गया वो फिर मज़र साहब नहीं है, वो कोई और ही चीज़ थी। ऊपर की तरफ देखता था, ऊपर की तरफ साए वगैरह थे, अंदर की तरफ देखता था तो अंदर की तरफ से आवाज़ें आ रही, इस तरह लग रहा था जिस तरह कोई जंजला आ रहा है और अंदर से बिजली चमक रही है, और मैं डर के मैं बैठ गया। निकाल दो, निकाल दो, कह रहे कह रहे।